Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 3, Subject English 1, and our today's chapter is Poem number 6, Trends. Okay, let's see. NCERT Class 3, English Marigold, Unit 6, Trends. Okay. With the help of this picture, you can know that we are going to see poem about trends. Let's start. Over the mountains, over the plains. Mountains यानी जो पहाड़ी इलाका है वो, और plains, plains means जो मैदान होते हैं वो. Over the mountains, over the plains, जो ट्रेन है वो माउंटेन के ऊपर से भी जाती है और जो मैदानी इलाका है वहां से भी गुजरती है. ओवर द रिवर्स हियर कम द ट्रेन्स. रिवर्स यानी जो नदी है उसके ऊपर ब्रिजेस बनते हैं और यहाँ से ट्रेन गुजरती है. ओवर द रिवर्स हियर कम द ट्रेन्स. जो ट्रेन है वो पहाड़ी इलाका, मैदान, नदी वो सब क्रॉस करके यहाँ तक आती है. ओके, दिस इज अ ब्रिज एंड हियर इज अ ट्रेन. ओके, लेट्स सी. कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल. जो ट्रेन है वो पैसेंजर्स को कैरी करती है, यानी हम लोग जो यात्री है वो ट्रेन में बैठते हैं. कैरिंग मेल, मेल यानी जो हमारे लेटर्स है जो हम बाय पोस्ट भेजते हैं हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को, वो बाय ट्रेन ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. कैरिंग पैसेंजर्स यानी जो यात्री बैठते हैं और जो हमारे मेल्स है जो हमारे लेटर्स है वो भी बाय ट्रेन हम ट्रांसफ़र करते हैं. नेक्स्ट, Bringing their precious loads in without fail. जो ट्रेन है वो पैसेंजर्स और मेल को तो कैरी करती है, पर जो हमारा precious loads है मीन्स हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ हमारा सामान भी रहता है ना, बैग्स वगैरह सब रहता है ना हमारे हट में, तो ये जो ट्रेन है वो precious loads यानी वजन यानी जो सामान है वो भी साथ में लेके जाती है. विदाउट फेल यानी बिल्कुल सक्सेसफुली. इट मीन्स अगर हमें यहाँ सूरत स्टेशन से हमें कोई बाइक हमें दूसरे स्टेट में, राजस्थान या मध्य प्रदेश, यूपी, दूसरे स्टेट में भेजती है तो हम बाई ट्रेन हमारी बाइक को भी वहाँ पहुँचा सकते हैं. थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन. यानी जो ये जो इंजन है उसके पीछे थाउजेंड ऑफ फ्रेट कार्स मीन्स जो डब्बे लगे हुए रहते हैं वो भी ट्रेन के साथ रशिंग होते हैं, भागते रहते हैं. कई ज़्यादा है, आपने ट्रेन देखी होगी कि उसके पीछे कितने ज़्यादा उसके जो कोचेस हैं वो लगे हुए रहते हैं. थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन. यानी जो ये जो ट्रेन है वो थ्रू डे एंड डार्कनेस. डे मीन्स जो सुबह होती है, डार्कनेस मीन्स रात, रात का टाइम. यानी ऐसा नहीं है कि चलो ट्रेन सुबह में ही चलती है, ट्रेन तो रात में भी चालू रहती है. थ्रू डस्क एंड डॉन. डस्क एंड डॉन मीन्स जब सुबह में सूरज निकलता है उसके आगे वाला टाइम, और जब जो और डस्क एंड डॉन्स मीन्स जब सूरज निकलता है उसके पहले का समय, और जब सूरज डूब जाता है उसके बाद का टाइम. ओके, तब भी ये ट्रेन चालू रहती है. इट मीन्स डे एंड नाइट कंटिन्यूसली वो हमें सर्विस देती रहती है. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, पहाड़ियों के ऊपर से या मैदानों के ऊपर से. ओवर द रिवर्स हियर कम द ट्रेन्स. ये जो ट्रेन है वो नदी को भी, नदी से भी ऊपर, नदी को क्रॉस करके हमारी जगह तक आती है. ओके बेटा, सबको समझ में आ गया होगा कि ट्रेन्स कहाँ से आती है. माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, हर जगह घूम फिर के ब्रिजेस के थ्रू हमारे यहाँ आती है. वो पैसेंजर्स को कैरी करती है, मेल्स कैरी करती है,
जो पैसेंजर के प्रेसियस लोड्स है उसे कैरी करती है, और डे एंड नाइट डस्क एंड डॉन यानी 24 आवर्स हमारी सर्विस में है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।